हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्रेजी फॉर फूड में। और आज मैं बनाने जा रही हूँ करौंदे का अचार। करौंदे आजकल आसानी से बाजार में मिल रहे हैं, किसी भी सब्जी वाले की दुकान से आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि आजकल करौंदे का सीजन है और इसका अचार बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैंने ये जो करौंदे काटे हैं इनको मैंने बीच में से दो टुकड़े कर लिए हैं इस तरह से, और इनके बीजों को निकाल दिया। इनके बीजों को निकाल दिया है और ये मैंने धूप में सुखा लिए हैं। अचार बनाने में फ्रेंड ये बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी चीज़ में मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। अचार हम जिस बर्तन में डालते हैं उस बर्तन वो बर्तन पूरा सूखा हुआ होना चाहिए, और अचार जिसमें हम भरेंगे वो जार भी धो के हमें धूप में सुखा लेना चाहिए। तो इस तरह से मैंने इन्हें दो टुकड़ों में काट के इनके बीज के बीज निकाल दिए हैं, और ये हरी मिर्च इनको मैंने एक मिर्च को तीन टुकड़ों में काटा है। बाकी इसके लिए सामग्री चाहिए वो ये है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, राई या सरसों के दाने, सौंफ, और ये तेल है। इसको मैंने कढ़ाई में धुआं निकलने तक बॉईल किया है, उसके बाद इसको ठंडा करके कटोरी में रखा है। और फ्रेंड्स ये विनेगर, एक चम्मच विनेगर भी हमें इसमें डालना है, क्योंकि विनेगर से अचार ख़राब नहीं होता है। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो बर्तन हमने लिया है ये बिल्कुल सूखा हुआ है, इसमें नमी नहीं होती। करौंदों को हम इस बर्तन में डाल लेते हैं। करौंदे काटे हैं और काट के धूप में सुखाया है। फिर ये हरी मिर्च, अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, सौंफ का पाउडर, ये सरसों का दाना है इसको डालेंगे, हल्दी डालेंगे, और ये नमक। नमक आप जैसा भी खाते हैं वैसा, अगर आप नमक कम खाते हैं थोड़ा कम डालिए, वैसे नमक भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है। इसमें मैं लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने हरी मिर्च बहुत सारी डाल रखी है, लेकिन अगर आप डालती हैं लाल मिर्च और ज़्यादा तीखा खाना चाहती हैं तो थोड़ा लाल मिर्च भी आप इसमें डाल सकती हैं। तो अब हम इसमें तेल मिलाएंगे, अच्छे से हमको मिक्स करना है इसको। देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसका। आप इसको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जिसमें मर्जी खाइए, और इसका एंजॉय लीजिए और अपने घर पे बनाइए। इसमें थोड़ा सा तेल और डालती हूँ मैं। अब इसमें हम एक चम्मच ये सिरका डालेंगे, इससे दोस्तों हमारा अचार ख़राब नहीं होता है। तो अब हम इसमें एक चम्मच सिरका डालते हैं, ये भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है। हल्दी भी इसमें प्रिजर्वेटिव का काम करती है। तो इस तरह से हम इसको चलाते हुए मिक्स करते हैं। अच्छी तरह से मसाला जो है मिर्च और करौंदों में मिक्स हो जाना चाहिए। दोस्तों ये बहुत ही सीजनल अचार होता है और ये बहुत कम मसालों से तैयार हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती है। अब ये मैंने एक साफ जार ले लिया है, इसको धोकर मैंने धूप में सुखा लिया है। अब मैं इसमें इस अचार के लिए भर लेती हूँ। देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है, और ये इसमें भर लेती हूँ। आप भी इसको घर पर जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको ये कैसा लगा, क्योंकि जब तक आप मुझे लिख के नहीं बताएंगे मुझे नहीं पता लगेगा कि आपको ये कैसा लगा। ये आप मुझे लिख के जरूर बताइएगा। दोस्तों ये हमारा अचार तैयार है। थोड़ा सा इसमें
ऑयल जो बचा हुआ है वो ऊपर से डाल देती हूँ। इसको हम 4-5 दिन धूप में रख कर पकाएंगे और उसके बाद ये खाने को तैयार हो जाएगा हमारा लाजवाब अचार। तो आप भी इस तरह से इसे बनाइए और इसका एंजॉय लीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि और भी अपडेट्स मैं आपको डालती रहूँगी नई नई कोशिशें। तो इस तरह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि नई अपडेट आपको तभी मिल पाएंगी। धन्यवाद।